मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर उन्नाव में मंदिरों का भव्य श्रृंगार, भारी प्रसाद वितरण, आरती कर हिंदू जागरण मंच ने किया माहौल राममय। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा था, इधर जनपद में हिंदू जागरण मंच ने मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल ने अलग अलग मंदिरों का भव्य श्रृंगार, आरती, प्रसाद वितरण करवाकर जनपद के माहौल को राममय कर दिया। नगर के बड़े हनुमान जी मंदिर के राम दरबार को हिंदू जागरण मंच द्वारा भव्यता से सजाया गया और शाम की विशेष आरती के बाद दीपक व आतिशबाजी जलाकर इस ऐतिहासिक दिन को मनाया गया। वहीं सरोसी ब्लॉक के ग्राम देवारा कला में भी विमल द्विवेदी ने जाकर बाबा वीरभद्रेश्वर जी की आरती उतारी व प्रसाद वितरण किया व लोगों ने शाम को दीपक जलाने की अपील की। विमल द्विवेदी ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते कई बाधिताएं हैं जिन्हें हम मानकर कोई बड़ा आयोजन करने से बच रहे हैं। नहीं नज़ारा ढोल नगाड़ों का कट, ना ही नज़ारा ढोल नगाड़ों के साथ कुछ और ही होता, लेकिन मंदिरों में भव्य श्रृंगार, हवन, प्रसाद वितरण, दीपक जलाकर ही हिंदू जागरण मंच इस ऐतिहासिक दिन को उन्नाव में मना रहा है। उन्होंने आशा जताई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से एक जो नए चेतना हिंदू समाज में आई है वो ऊर्जा का रूप लेकर भविष्य में सनातन धर्म व हिंदू समाज को मजबूत करने का काम करेगी। इस अवसर पर मंच के जिलाध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर अध्यक्ष विकास सिंह सेंगर, नगर महामंत्री धर्मेंद्र शुक्ला, युवा प्रभारी मनीष अवस्थी, उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष शिवम आजाद, नगर उपाध्यक्ष अंशु शुक्ला, नगर उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, उपाध्यक्ष विक्रम द्विवेदी, नगर मंत्री अखिल मिश्रा, सोनू शुक्ला, शुभम कनौजिया, विकास जायसवाल, राम भक्त मौजूद रहे। श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया है, किस तरीके से पूरे आयोजन को देखते हैं? आपने भैया भव्य आयोजन किया है, उन्नाव में भी उत्साह है, किस तरीके का आयोजन था और किस तरीके का संदेश है? बहुत सुखद पल है ये, और लगभग 500 वर्षों के बाद और लगभग 3 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद ये ऐतिहासिक पल आया है। समस्त हिंदू समाज के लिए ये विजय का पर्व है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में आज भूमि पूजन हुआ है। पूरा विश्व और विश्व के साथ साथ तमाम ऐसे देश हैं जो भगवान श्री राम के नाम पर आज उत्सव मना रहे हैं। हम लगभग 1 सप्ताह से लोगों को जन जागरण कर लोगों में दिए बांट कर आज ये उत्सव का पर्व है। घर घर दिए जलाने का अपील कर चुका है हिंदू जागरण मंच, और लगभग जनपद के कई ऐसे मंदिर हैं जिनको भव्य श्रृंगार कराया गया है, महाआरती का आयोजन किया गया है, महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, और ये विजय पर्व हर वर्ष हिंदू समाज के लिए हर वर्ष ये मनाया जाएगा। दीपावली के जैसे दीपावली होती है, ऐसे एक विजय उत्सव के रूप में ये हिंदू जागरण मंच सबसे अपील करता है कि हर वर्ष इस 5 अगस्त को ये भव्य आयोजन किए जाएँ, जिससे इतिहास के पन्नों में जो आज ये दर्ज हुआ है, क्योंकि ये एक कोरोना महामारी के चलते ये आयोजन बहुत सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप सबको ये ज्ञात है कि ये ढोल नगाड़े और पूरे शहर को रंगा जाता, तमाम आयोजन बड़े भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन अब ये एक कोरोना महामारी के चलते हम सबका एक दायित्व तो है कि हम सब उसका भी सहयोग करें, और ये भव्य मात्र छोटे सूक्ष्म कार्यक्रम है भगवान श्री राम के नाम पर, और ये निरंतर हर वर्ष चलता रहे ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। और ये मैं पुनः आप सबको, आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपदवासियों को इस सफल आयोजन और इस शुभ दिन के लिए बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा ये शुभ आयोजन हुआ है।